विश्वविद्यालय में कुलपति सचिवालय छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। क्लास नहीं लगने के चलते कॉमर्स कॉलेज के छात्रों में आक्रोश है। इस कारण छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में वीसी सचिवालय पहुंच गए और कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय पर आज छात्रों का हंगामा देखने को मिला। बड़ी संख्या में छात्र विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर नारेबाजी करते नजर आए। छात्रों का कहना है कि पीजी के नतीजे जो जनवरी में जारी होने थे वो अब तक जारी नहीं हो पाए हैं। वहीं कई छात्रों ने अपने असाइनमेंट जमा कर दिए हैं, उसके बावजूद असाइनमेंट में छात्रों को एब्सेंट दिखा दिया गया। छात्रों का कहना है कि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना भी दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाएं जो हो रही हैं उससे पहले पहले इनका रिजल्ट आ जाए तो हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं कि पूरा जो फाइनल ईयर के बच्चों का जो है उसको प्रायोरिटी में मूल्यांकन कर उनका परीक्षा परिणाम घोषित करें, जांच कर जहां जिन बच्चों के असाइनमेंट के अंक नहीं हैं उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी मूल्यांकन कर उनके अंक चढ़ाकर उनका परिणाम भी जारी करेंगे। सर दिक्कत ये है कि ये यूनिवर्सिटी 2 साल की डिग्री को 3 साल से ऊपर ले रही है। इनके एग्जाम जनवरी में हमारे को रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो अभी तक इनको अक्टूबर आ गए, इन्होंने रिजल्ट दिया नहीं है। एमए फाइनल ईयर का, एमए फाइनल और सभी विषयों के ही है, पीजी के समस्त रिजल्ट इन्होंने नहीं दिए हैं। इसके बाद असाइनमेंट के जमा करवा दिए हमने, 13-13 महीने हो गए ये मेरे असाइनमेंट जमा पड़े, ऑनलाइन सबमिट होते हैं ये, इसकी सारों की मैं पीडीएफ लेके आया हूँ, यूनिवर्सिटी ने नहीं जमा की है और रीजनल सेंटर्स पे जाते हैं तो इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। आश्वासन वही पिछली बार वाला है दिया गया है लेकिन हम इस आश्वासन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर। राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो सारे छात्र हितों में काम करते हुए पीजी के समस्त विषयों का परिणाम जारी कर चुकी है ताकि 11 अक्टूबर से होने वाली स्कूल व्याख्याता भर्ती में समस्त बच्चे एलिजिबल हो सके। एकमात्र ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसने अभी तक भी परिणामों को लेकर के कोई कार्यवाही नहीं की है। अक्टूबर से पहले रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो हम सभी मिलकर के यूनिवर्सिटी के सामने भूख हड़ताल करेंगे और यदि उस भूख हड़ताल में किसी स्टूडेंट के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी प्रशासन होगा, वीसी होगा उसका जिम्मेदार। और ये जो इस तरह की जो यूनिवर्सिटी ने पैसा कमाने का एक उद्देश्य बना लिया, फेल पे फेल फेल पे फेल, तो हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इस पर दबाव बना करके या फिर इसको कार्य जल्दी से जल्दी करके हमारे छात्र हितों में उनके भविष्य को सुरक्षित रखते हुए सही फैसला ले रहे, हमारा रिजल्ट सही समय पर जारी करे। अजमेर में मसूदा पंचायत के किराब गांव में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारी छात्र स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में टीचर के 26 पद स्वीकृत हैं लेकिन इस वक्त इसके आधे शिक्षक भी कार्यरत नहीं है और जो कार्यरत हैं भी उनमें से कई शिक्षक समय पर आते नहीं हैं जिससे छात्रों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों और छात्रों का कहना है कि जब तक उनके शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपना विरोध यूं ही जारी रखेंगे। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है जहां छात्रों से समझाइश की गई है लेकिन फिलहाल कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल की माने तो शिक्षकों की कमी को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। बारा के चीपा बड़ौद क्षेत्र के मोख मपूरा में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की कमी के चलते ग्रामवासियों ने विद्यालय में ताला लगाया। छात्रों ने बताया कि विद्यालय में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान के रिक्त पद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही, इसलिए जब तक विद्यालय में अध्यापकों की उचित व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक विद्यालय का ताला नहीं खोलने देंगे। वहीं भाजयुमो जिला मंत्री अमित सैन ने बताया कि शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान है, कई बार ज्ञापन दिया गया लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई ही नहीं की।